तो गाइस क्या आपको पता है, अपने गेम के अंदर से अभी के टाइम पे डेंजर जोन और जो रेड ड्रम होता है उसको रिमूव कर दिया गया है। अब काफी सारे लोगों ने जिसको नोटिस कर भी लिया होगा, लेकिन भाई एक्चुअल में उसको रिमूव क्यों किया गया था, अब ये चीज किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या था रेड ड्रम और डेंजर जोन को रिमूव करने का। और आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके वजह से आप अपने गेम के अंदर बॉट्स नूब्स को ला सकते हो। मतलब आप खुद सोचो ना यार, अगर आपको अच्छा खासा खेलना आता और आपके सामने जो एनिमी होगा वो अच्छा खासा खेल ही नहीं पाता है, न्यू प्लेयर है, तो आप तो उसे आराम से मार दोगे, आपका रैंक पुश होगा, आपकी केडी इंक्रीज होगी और आपका हेडशॉट रेट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक जानना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आएगा ना वीडियो मजा। और इस वीडियो में आपको एक बोनस टिप बताऊंगा जिसके मदद से आपको पता लग जाएगा कि आपके गेम में हेडशॉट क्यों नहीं लगते। और एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं होने वाला है, ये होने वाला है फैक्ट्स का वीडियो। थिंग्स टू नो अबाउट फ्री फायर नंबर 4। अच्छा गाइस, अगर आप उन लोगों में से एक हो जो कि स्नाइपर ज्यादा यूज करते हैं, और आप लोगों से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो डबल स्नाइपर का यूज करते हैं, तो अगर आपने स्नाइपर का यूज किया भी है तो आप लोगों को क्विक स्विच के बारे में तो पता ही होगा, जिससे हम AWM के या फिर कोई भी स्नाइपर के लोड को स्किप कर सकते हैं। लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हम फास्ट फास्ट स्विच करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी एमओ ही छूटते नहीं है। मतलब हमने फायर बटन तो क्लिक कर दिया, लेकिन हम इतना फास्ट स्विच कर लेते हैं कि कभी कभी भाई एमओ छूटती ही नहीं है गन से। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है कि आपको पता है, और इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन भी लेके आया हूं। तो भाई ये तो प्रॉब्लम तभी होती है जब बहुत ज्यादा जल्दी स्विच करने लग जाते हो। तो इसका सोल्यूशन ये कि अगर आपके पास कोई भी स्नाइपर की स्किन है जिसमें डबल रेट ऑफ फायर है तो आप लोगों को वो गन स्किन यूज करनी है, क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर में ऐसा होता है गाइस कि आपके जो एमओ की स्पीड है वो डबल स्पीड से निकलती है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई गन स्किन है जिसमें डबल रेट ऑफ फायर है लेकिन उसमें जो रिलोड स्पीड है वो माइनस है, तो फिर वो गन स्किन कुछ काम की ही नहीं है। उससे अच्छा तो यही है यार कि आप स्नाइपर की कोई गन स्किन ही यूज ना करो। अगर आप डबल रेट ऑफ फायर वाली स्नाइपर की कोई भी गन स्किन यूज करते हो तो आपकी कहीं जो क्विक स्विच करते टाइम जो प्रॉब्लम आती है, कभी कभी एमओ रिलीज नहीं होता है हमारे AWM से, तो वो प्रॉब्लम डबल रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन से सॉल्व हो जाएगी। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 3। गाइस अपने गेम के अंदर से डेंजर जोन और रेड ड्रम को रिमूव क्यों किया है। गाइस पहले हम बात करते हैं रेड ड्रम की। अब देखो गाइस, रेड ड्रम का कुछ खास काम तो हुआ नहीं करता था, वो बिल्कुल ही यूजलेस पड़ी होती थी पूरे मैप के अंदर, और रेड ड्रम से कोई कुछ खास फायदा उठा भी नहीं पा रहा था, उल्टा हमारे टीममेट हमें को डैमेज दे रहे थे रेड ड्रम से, और अगर हमारे टीममेट हमें को मार देंगे तो भाई गेम खेलने में क्या ही मजा आएगा। और रेड ड्रम में काफी सारे ग्लिचेस भी थे, आप रेड ड्रम का डैमेज लेके अपने रैंक को भी पुश कर पाते थे। मतलब अगर मैं रेड ड्रम का पूरा हिस्ट्री निकाल के देखूं ना, तो उसमें इतने सारे ग्लिच भरे पड़े थे, लोग इतना पता नहीं कहां से ग्लिच ढूंढ के लाते थे कि वो लोग अपना रैंक पुश करते रेड ड्रम को फोड़ फोड़ के। अगर आप एक ओल्ड फ्री फायर प्लेयर हो तभी आपको ये रेड ड्रम वाला ग्लिच के बारे में पता होगा। बट गाइस ये तो ठीक है, लेकिन डेंजर जोन का क्या, डेंजर जोन तो काम में आ रहा था भाई लोगों को एलिमिनेट करने में। तो गाइस डेंजर जोन के साथ भी प्रॉब्लम यही थी, आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा, आपके पास पूरे मैप में सबसे अच्छी लूट है लेकिन आप मर जाते हो क्योंकि आपके ऊपर डेंजर जोन फूट जाता है। इससे गाइस बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन फील होता है, एंड जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं फ्री फायर को, एंड वैसे भी यार हमारे पास एनिमी है मारने के लिए, तो डेंजर जोन का काम वैसे भी क्या ही है। लेकिन गाइस आप अपना ओपिनियन बताओ कि आपको क्या लगता है, डेंजर जोन को रिमूव करना चाहिए था या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो यार वो अच्छी चीज थी, क्योंकि जितना ज्यादा गेम डिफिकल्ट होता जाएगा ना उतना ज्यादा गेम खेलने में मजा आएगा। एंड यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जब फ्री फायर ने रेड ड्रम और डेंजर जोन को गेम से रिमूव किया तो फ्री फायर खुद चाह रहा है कि अपना गेम धीरे धीरे करके भाई इजी होने लगे, जो कि गाइस एक बहुत ही बेकार चीज है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि आप सभी लोगों का हर एक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 2। गाइस काफी बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आप बंदे को हेडशॉट मारते हो, आपका एम उस बंदे के हेड में ही होता है लेकिन आपकी जो एमओ रिकॉइल कर जाती है। कभी कभी वर्स्ट सिनेरियो में तो ऐसा होता है कि भाई हम बंदे को मार रहे होते हैं लेकिन हमारा जो एम है उसके हेड में जाता नहीं है, बॉडी में चिपक जाता है। देखो भाई बहुत सारी ट्रिक होती है हेडशॉट मारने की, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको जाना अपने गन स्किन के अंदर कि आप कौन सी गन स्किन यूज कर रहे हो। अगर आपकी गन स्किन में सिंगल एक्यूरेसी या फिर डबल एक्यूरेसी है ना, तो भाई तुरंत उस गन स्किन को यूज करना छोड़ दो, क्योंकि इस एक्यूरेसी से होगा क्या कि आपका जो एमओ है वो बंदे के बॉडी पे चिपक जाएगा, हेड पे नहीं चिपकेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक्यूरेसी वाले गन से हेडशॉट मारना। लेकिन गाइस एक और चीज, अगर आपके गन स्किन में एक्यूरेसी माइनस है तो भाई उसको भी यूज मत करो, क्योंकि एक्यूरेसी माइनस रहेगा तो आपको सामने वाले बंदों को मारने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी गन बहुत ज्यादा रिकॉइल करेगी और हेडशॉट मारना तो फिर भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उससे। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इन गन स्किन को यूज करते हो फिर नहीं करते तो आप हेडशॉट लगना एकदम चालू हो जाएंगे। एक्यूरेसी वाले गन स्किन से भी हेडशॉट लगते हैं और एक्यूरेसी माइनस वाले गन स्किन से भी हेडशॉट लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी एक ऐसी चीज है जिसको फ्री फायर ने डिफॉल्टली अच्छे से बैलेंस करके रखा है। गन स्किन की मदद से आप उसको इंबैलेंस करोगे तो आपके लग जाएंगे। एंड बोनस टिप्स गाइस ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी गन स्किन है जिसमें रेट ऑफ फायर प्लस है, सिंगल रेट ऑफ फायर हो या फिर डबल रेट ऑफ फायर, जो भी गन स्किन हो उसको यूज करना है। भले ही आपके पास डैमेज वाली गन स्किन होगी लेकिन डैमेज वाली को बाजू रखो कुछ देर के लिए, आप डबल रेट ऑफ फायर वाली या फिर सिंगल रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन को यूज करके देखो। मैं गारंटी देता हूं यार उसमें आपके हेडशॉट काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे।
मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डबल डैमेज वाली गन्स की इक्विप करके खेलते हैं। ऐसा मत करो यार, कभी डबल रेट ऑफ फायर वाली करके भी देखो। आप लोग मुझे कमेंट में आकर थैंक यू बोलोगे कि भाई मैंने क्या ही मस्त ट्रिक बता दी। वेल गाइस, अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो यार GW चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी सेट करना मत भूलिएगा। गाइस बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ, जिसके बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि आप अपने गेम के अंदर कैसे नूब प्लेयर को ला सकते हो। तो देखो यार, पहली बात तो नूब से मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को चिढ़ा रहा हूं, बॉट बोल रहा हूं तो मैं इसे चिढ़ा रहा हूं। मैं जितने बार भी नूब या बॉट बोलूंगा समझ जाना कि भाई मैं न्यू प्लेयर को कंसीडर कर रहा हूं, या फिर कोई ऐसे प्लेयर जिनको अच्छे से गेम खेलना नहीं आता है। आपने यार काफी सारे वीडियोस देखे होंगे कि रैंक ये करो, रैंक वो करो, ये करो वो करो, ये ट्रिक अप्लाई करो। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोगों बस अपने ऐसे फ्रेंड को ढूंढना है जो कि पीसी में खेलता हो। आप मानोगे नहीं गाइस, आज के टाइम पे BR रैंक के अंदर जो बंदा पीसी में खेलता है ना, उसको इतने बॉट प्लेयर आते हैं। पर्सनली मैं भी खेलता हूं यार पीसी में, कभी BR रैंक शुरू करता हूं ना, इतने गंदे बॉट प्लेयर आते हैं यार। आप सभी को पीसी की मैच मेकिंग के बारे में तो पता ही होगा, पीसी प्लेयर के साथ मैच मेकिंग करते हैं, और अगर पीसी प्लेयर मैच मेकिंग नहीं कर पाते तो भाई गरीना फ्री फायर बॉट के साथ मैच मेकिंग लगा देता है। लेकिन गाइस ये ट्रिक से वो भी BR रैंक में वर्क करती है। अगर आप CS रैंक में पीसी प्लेयर लेके खेलोगे ना, आपके सामने इतने प्रो प्लेयर आएंगे कि हवा तूफान की तरह आके आपको मार देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ट्रिक से वो भी BR रैंक में वर्क करती है। आप बोलोगे भाई पीसी प्लेयर कहां से लाऊं मैं, देखो ना यार किसी फ्रेंड के पास लैपटॉप होगा, पीसी होगा, उसमें बोलो भाई थोड़ा गेम लॉग इन कर यार, गेस्ट अकाउंट बना और उसमें खेलो। और एक ट्रिक ये भी है कि कोई अगर आपके पास बंदा है जिसका अकाउंट काफी टाइम से ऑफलाइन है, तो गाइस उस बंदे के अकाउंट को लो और उस अकाउंट को अपने स्क्वाड में ले लो। मैं गारंटी देता हूं गाइस कि आपके गेम में बहुत ही न्यू प्लेयर आने वाले हैं। लेकिन गाइस जो सेकंड वाली ट्रिक है वो स्टार्टिंग के सिर्फ 4 या 5 मैच में ही वर्क करेगी, और यही सेकंड वाली ट्रिक आप CS में भी वर्क कर सकते हो, ये CS में भी वर्क करती है। वेल गाइस, होप करता हूं आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर यस तो आपको तो पता गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो इंस्टा में सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो यार आ जाओ, वहां पे भी काफी रील्स अपलोड करता हूं मैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।